सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल टैब्स प्रोडक्ट्स ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारी रतन सिरप के बारे में, जिसके कमेंट्स काफ़ी दिन से मेरे पास आ रहे थे कि नारी रतन सिरप का जो है रिव्यू कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि नारी रतन सिरप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल रहता है, कब आपको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या प्रेगनेंसी के लिए जो महिलाएँ ट्राई कर रही होती हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहता है या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और प्लस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, क्योंकि इसकी 2 बॉटल्स मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। एक एक पॉइंट बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, सो दैट आपके पास इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो पहुंचती रहे। एंड हां, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आप इस सिरप को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखो, नारी रतन जो सिरप है ये एक हर्बल रूटीन सिरप है फॉर वुमेन हेल्थ। तो केवल महिलाओं के लिए ये सिरप है और हर्बल है, ठीक है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ना के बराबर होते हैं। तो देखिए, ये जो नारी रतन सिरप है ये 16 जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार है और स्पेशली पीरियड्स से लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करता है। बहुत सारी महिलाओं को देखा जाता है कि पीरियड्स इररेगुलर रहते हैं, टाइम पर नहीं रहते, या फिर पीरियड्स जो है कभी बहुत लेट होते हैं और कभी बहुत जल्दी हो जाते हैं, या फिर हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम पर। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा पीरियड्स के टाइम पर आपके पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है ना, आपकी जो है पिंडलियों में इतना ज़्यादा पेन रहता है कि आप उठ नहीं पाते, आपका उठने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन रहता है, घबराहट सी रहती है हर वक्त, है ना, तो बेचैनी बनी रहती है। तो इन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। अब इसके अलावा एक सवाल और कि क्या ये कंसीव करने में, यानी प्रेगनेंसी में कंसीव करने में भी हेल्प करता है या नहीं। तो देखो, नारी रतन जो सिरप है ये स्पेशली टारगेट करता है आपकी जो है आपके पीरियड्स को लेके। तो जो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये सॉल्व करता है, जिसकी वजह से जब आप इसको रेगुलर लेते हैं तो इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं तो उससे आपकी जो है प्रेगनेंसी में कंसीव करने की जो एक संभावनाएँ होती हैं ना, वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि मेरा ऐसा कई वुमेन के साथ मैंने उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है लिया है इस बारे में। तो जो वुमेन ट्राई कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए, इसको पीने के बाद उनको जो है पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इतना सारा सोल्यूशन मिला है, उनको इतनी हेल्प मिली है कि उनके जो प्रेगनेंसी के चांसेस थे वो काफ़ी हाई हो गए हैं। इवन कई सारी वुमेन ऐसी हैं जो इसको लेने के बाद प्रेग्नेंट भी हुई हैं, क्योंकि उनकी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि ये जो नारी रतन सिरप है ये केवल सिरप ही नहीं है, इसमें आपको कुछ टैबलेट्स भी मिलती हैं जो आपको लेनी होती हैं। लेना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी विद प्राइस, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं कि इस सिरप में कौन से जो है इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, अशोक छाल है, लोधर छाल है, अर्जुन छाल, अश्वगंधा, शतावरी, अजवाइन, आंवला, अजमोद, उलट कंबल, अमलतास, गूदा है, सौंठ, घी, कुआर पात्र, जटामासी, नाकेश्वर, वासा पत्र, घातकी। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे हर्बल इंग्रेडिएंट हैं, आयुर्वेदिक हैं, जो कि आपको जो है साइड इफेक्ट ना के बराबर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कितना जो है क्वांटिटी में आपको मिलता है। तो ये 200 ml की बॉटल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही 200 ml की बॉटल है जो आपको मिल जाती है। इसका जो MRP है वो है 175 rupees। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर आपको जो सिरप मिलता है वो किस तरीके से होता है और इसके अंदर जो टैबलेट्स हैं वो कैसी आपको मिलती हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इसी तरीके की वीडियोज़ जो है वो पहुँचती रहे। सो फर्स्टली गाइज, आप देख सकते हैं ये रहा इसके अंदर से जो है निकला है एक इसका मतलब एक पहले तो ये सिरप ही है और इसके अलावा साथ ही साथ क्या है इसमें जो है कुछ टैबलेट्स भी हैं। तो सिरप आपके सामने है, ये रहा जो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, पेट दर्द, कमर, स्पेशली पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। 175 rupees में है। और आपको क्या करना है, लेने से पहले इसको एक बार इस तरीके से शेक करना है, क्योंकि गाढ़ा सा लिक्विड होता है जो इस बॉटल के नीचे जो है जम जाता है। तो इसकी 2 बॉटल्स मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ, ये एक न्यू बॉटल है, तीसरी जो मैंने मंगाई है फिर से यूज़ करने के लिए, तो सील बंद होनी चाहिए, आप इसका भी खास ध्यान रखें। अभी बात कर लेते हैं इसके हम जो है टैबलेट्स की। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ आपको कुछ टैबलेट्स भी मिलते हैं। टैबलेट्स आपको लेने किस तरीके से और ये सिरप आपको किस तरीके से लेना है, सिरप को लेने का तरीका यही है गाइज कि आपको लगभग 10 से 15 ml, ठीक है,
आप देख सकते हैं 10 से 15 एमओल सिरप लेना है दिन में आपको 2 से 3 बार, 3 बार लें तो और ज़्यादा बेटर और रहेगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 बार आपको लेना है इसको, और जितना आप सिरप लेंगे 10 से 15 एमएल के बीच में उतना ही आपको इसमें पानी ऐड करना है, ठंडा पानी, ठीक है। और लेने से पहले बॉटल को एक बार आपको शेक करना है। तो जब आप इस सिरप को लेंगे उससे लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप जो है ये टैबलेट ले सकते हैं। टैबलेट भी आपको दिन में 2 से 3 टैबलेट लेने हैं, ठीक है। तो टैबलेट्स आपको कितने मिलते हैं आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर जो मुझे अभी तक मैंने 2 बार इसको यूज किया है, 2 बोतल मैंने इसकी फिनिश की हैं, तो 20 टैबलेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि ये रहे आपके सामने हैं। 20 टैबलेट्स हैं, आप दिन में 2 से 3 टैबलेट ले सकते हैं। जितना बार आप इसको लेंगे 2 या 3 बार इतना ही आपको टैबलेट्स लेनी है, थोड़ा सा बीच में टाइम का आप गैप रखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, अभी मैं बात कर लेती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, देखिए मैंने जो नारी रत्न जो है सिरप लेना शुरू किया था वो इसलिए किया था क्योंकि मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे और काफ़ी पेन के साथ होते थे इस पर, और इसके अलावा मेरे जो पिडली थी उनमें बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो दैट्स वाई मैंने इस सिरप को लेना ट्राई करा, एंड बिलीव मी जब से मैंने इसको लिया है, 2 बॉटल्स मैंने इसकी फिनिश की हैं, तो उसको लेने के बाद मुझे काफ़ी हद तक आराम मिला है। स्पेशली जो मेरा पिंडलियों का दर्द था वो लगभग खत्म ही हो गया है, ठीक है। तो टैबलेट्स भी आपको लेनी है, लेकिन अगर इसके अलावा आपको कोई मेजर इशू है लाइक फाइब्रॉइड्स है आपको या फिर कोई अदर मेजर इशू है आपकी हेल्थ से लेकर रिलेटेड, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इसको लेने से पहले, ऐसे ही आप इसको फिर ना लें, ठीक है। और एक चीज़ और है, प्रेगनेंसी के टाइम पर अभी आप इसको ना लें, अगर आप प्रेगनेंट हैं तो भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको लें, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।